सब्सक्राइब कीजिए ऑटोमोटिव चैनल को और उस बेल आइकन को दबाइए हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, मारुति सुजुकी ने हाल में एस्प्रेसो और एक्सेल 6 को लॉन्च किया। हालांकि एक मॉडल है जो हाल के वर्षों से काफ़ी हद तक वैसा ही बना हुआ है। मारुति सुजुकी ने सेलेरियो को 2014 में कमीशन किया था और एक्स वेरिएंट के साथ इसकी रेंज का विस्तार किया गया था। पहली पीढ़ी के सेलेरियो को लगभग 6 साल से अधिक समय हो गया और इसे निश्चित रूप से परिवर्तन की जरूरत है। हम उम्मीद करते हैं कि इस साल के अंत में ऑल न्यू सेलेरियो को लॉन्च किया जाएगा। इसे YNC में आंतरिक रूप से कुटबूट किया जाएगा। कैलेंडर वर्ष 2019 में इंडो जापानी ब्रांड 30% की भारी ड्रॉप के साथ सेलेरियो को 71,000 इकाइयों के करीब पहुंचा गया। एक समान परिदृश्य से बेचने के लिए नए जीन सेलेरियो को अंदर और बाहर ध्यान देने योग्य परिवर्तन हो सकते हैं। प्रदर्शन के लिए मौजूद 1 लीटर K10B3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन को BS6 अनुपालक के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है। यह 67 BHP अधिकतम शक्ति और 90 Nm का पीक टॉर्क पैदा करता है। पावर ट्रेन को 5 स्पीड मैनुअल या 5 स्पीड EMT के साथ जोड़ा जा सकता है। YNC एक नए दृष्टिकोण के साथ सेलेरियो के प्रतिस्थापन के रूप में कार्य कर सकता है। एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार मारुति सुजुकी अगले साल के लिए बाद एक नए 800cc मॉडल पर काम कर रही। इसी प्रकार 2 नए एंट्री लेवल मॉडल होने से मास मार्केट स्पेस में अपना वर्चस्व मजबूत करने में मदद मिलेगी। नई पीढ़ी के सेलेरियो ने हुंडई सेंट्रो, रेनॉ क्विड और टाटा टियागो को टक्कर देगी। भारी अपग्रेड के लिए डिजाइन के अलावा नई जीन मारुति सुजुकी सेलेरियो को टॉप एंड वेरिएंट में नवीनतम स्मार्ट प्ले स्टूडियो, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड्रॉइड एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो कनेक्टिविटी के साथ मिलेगा। जबकि दोहरी एयरबैग EBD के साथ ABS, सीट बेल्ट रिमाइंडर, उच्च गति चेतावनी प्रणाली आदि मानक पैकेज का हिस्सा होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।